Assalamualaikum everyone. आज हम बनाने वाले हैं क्रीमी चिकन मलाई टिक्का विथ सिल्की एंड स्मूथ ग्रेवी। इसका टेस्ट इतना स्मूथ एंड अमेजिंग होता है, मुंह में रखते ही ये घुल जाता है, इतना बढ़िया बनता है ये। आप इस चिकन को ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए आप इसकी तारीफ सुनते सुनते थक जाएंगे, इतनी अमेजिंग बनने वाली है ये चिकन की रेसिपी। आप इसे जरूर ट्राई करें। बहुत ही एग्जैक्ट और इजी वे में इस रेसिपी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए चिकन मलाई टिक्का बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो चिकन मलाई टिक्का विद क्रीमी ग्रेवी हम बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आधा किलो चिकन ले लेंगे। आप चाहें तो बोनलेस चिकन लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा, बट मैंने यहाँ पे विद बोन चिकन यूज किया है। बोनलेस चिकन लेने से आपका जो टिक्का होगा वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी होगा। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले 1 teaspoon सॉल्ट लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 teaspoon कश्मीरी रेड चिली पाउडर थोड़ा कलर लाने के लिए, 2 teaspoon जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने का तरीका भी मैं प्रीवियसली वीडियो में डाल चुकी हूँ, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं घर पे इजीली जिंजर गार्लिक पेस्ट कैसे बनाया जाए। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 teaspoon रेगुलर रेड चिली पाउडर, जो नॉर्मल रेड चिली पाउडर होती है वो, 1/4 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon गरम मसाला, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon व्हाइट पेपर पाउडर, आप इसकी जगह ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज कर सकते हैं, 1 teaspoon कसूरी मेथी, इससे बहुत ही बढ़िया अरोमा आता है हमारे टिक्के में, 2 teaspoon लेमन जूस ऐड कर देंगे और इसी के साथ इसमें 1 cup दही भी ऐड कर लेंगे, 1/4 teaspoon रेड ऑरेंज फूड कलर ऐड किया मैंने लिक्विड फॉर्म में। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में नहीं है तो आप 3 से 4 pinch पाउडर फॉर्म में भी कलर डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं हमारे चिकन में अच्छे से। अब हम इसे मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। मैरिनेशन के लिए आप इसे कम से कम, अगर आपको जल्दी है तो आप 2 घंटे के लिए कम से कम रखिए। ओवरनाइट आप इसे रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा मसाला हमारे चिकन में एब्जॉर्ब होगा हमारा टिक्का उतना ही बढ़िया बनेगा। हमने अपने चिकन को ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रखा था, तो चलिए अब इसे पका लेते हैं। मैंने अपने पैन में 1 tablespoon वेजिटेबल ऑयल लिया है और 1 tablespoon बटर ऐड किया है। बटर ऐड करने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है हमारे टिक्के में, इसलिए आप इसे जरूर डालिएगा। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी हमारा जो मैरिनेटेड चिकन था, मैंने ओवरनाइट किया था मैरिनेशन, इसे मैं ऐड कर दूंगी अब इसमें। अब हम अपने चिकन को 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे इस तरीके से। इसी वे में इसे सॉटे करते रहेंगे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर। आप देख सकते हैं चिकन ने अपना पानी रिलीज कर दिया है। हमने दही भी ऐड किया था, इसलिए हम इसमें और वाटर ऐड नहीं करेंगे और इसे कवर कर दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे। इसे पकने के लिए रख दूंगी ताकि हमारा चिकन गल जाए। ये देखिए हमारा चिकन गल चुका है और अब मैं इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है इसे भी जला लूंगी इस तरीके से हाई फ्लेम पर। जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसे ऐसे ही जला लीजिए। ये देखिए सारा पानी इवेपोरेट हो चुका है और अब जो ये लास्ट जो ग्रेवी बची है इसे भी आप निकाल लीजिए अलग बोल में, क्योंकि इसका यूज इसमें नहीं है। आप इस ग्रेवी को अलग से रोटी से भी खा सकते हैं या नान के साथ भी खा सकते हैं, पाव के साथ भी खा सकते हैं। हमें सिर्फ ये हमारा जो चिकन रेडी हुआ है यही चाहिए। ये देखिए इस ग्रेवी को मैंने सेपरेट बोल में निकाल लिया है। इसको आप तरी में भी यूज कर सकते हैं और एज अ साइड डिश भी यूज कर सकते हैं। चिकन टिक्का तो हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसे थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर दूंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर ग्रिल नट यूज की है इस तरीके से। इस पर मैं एक एक करके अपने सारे टिक्के रख दूंगी ताकि हम इसे ग्रिल कर सकें, अच्छे से स्मोकी फ्लेवर ला सकें इसके अंदर। अब इस तरीके से मैं हमारे टिक्कों को ग्रिल कर लूंगी ताकि एक तंदूरी फ्लेवर आ जाए। बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने बाहर से तंदूरी टिक्का मंगवाया है, इतना बढ़िया टेस्ट आता है इसमें। बस अब ऐसे ही मैं सब टिक्कों को ग्रिल कर लूंगी अच्छे से ताकि एक तंदूरी स्मोकी फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। और एक एक करके इन सब को मैं टर्न कर लूंगी धीरे धीरे कर। इस तरीके से आप अपने सभी टिक्कों को एक एक करके टर्न कर लीजिए। हमारे मलाई टिक्का रेडी है स्मोकी फ्लेवर के साथ। अब हम जाते हैं ग्रेवी की तरफ। ग्रेवी के लिए हमने सबसे पहले हमारा पैन हीटिंग के लिए रख दिया है। इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी 1 tablespoon बटर। बटर को मेल्ट कर लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 cup अमूल फ्रेश क्रीम, आप भी यही यूज करें, और उसे अच्छे से बटर में मैं मिक्स कर लूंगी।
ये देखिए हमारी क्रीम बॉईल होने लगी है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर। व्हाइट पेपर पाउडर से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है हमारी ग्रेवी में। आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से इसे आप मिक्स कर लेंगे। इसी तरीके से आप इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहें ताकि क्रीम नीचे लगे ना हमारी कढ़ाई में और एक थिक ग्रेवी तैयार हो जाए हमारी। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए रेडी है हमारी ग्रेवी और अब हम इसमें असेंबल कर लेंगे हमारे चिकन टिक्का के पीसेस जो हमने ग्रिल करके रेडी रखे थे, वो भी अब इसमें एक एक करके ऐड कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से इसकी ग्रेवी रेडी हो जाती है बट अमेजिंग लगती है। और बस अब इसे एक मिक्स दे देंगे इस तरीके से। बस इसी तरीके से आप भी बनाइए, आप भी अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को खिलाइए। बहुत ही अमेजिंग बनती है ये चिकन टिक्का विद सिल्की स्मूथ ग्रेवी रेसिपी, ट्राई कीजिए। अब मैं थोड़ा सा बटर मेल्ट करके हीट करके अब इस पे ऊपर से डाल दूंगी। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप इतना बटर खा सकते हैं तो बेशक आप इसे ऊपर से डालिए बटर को। अब अगेन मैं इसमें एक मिक्स दे दूंगी। तो रेडी है हमारी चिकन मलाई टिक्का विद सिल्की स्मूथ ग्रेवी रेसिपी। इसे अब मैंने ऊपर से गार्निश किया है कोरिएंडर लीव्स से, उनको फाइनली मैंने चॉप कर लिया था और इस तरीके से ऊपर से गार्निश कर दिया है। आप भी इसे बनाइए, आप भी इसे ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसी बनी है ये रेसिपी। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल बिस्मिल्लाह किचन फूड्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।